નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, લગભગ દરેકે દરેક લોકો પોતાના દેખાવ માટે ખૂબ જ ચિંતિત હોય છે, કોન્શિયસ હોય છે, અને જ્યારે પણ દેખાવની વાત આવે છે ત્યારે સ્કિન ટ્રીટમેન્ટ અને ખાસ કરીને હેરસ્ટાઇલ, અને જો હેરસ્ટાઇલની વાત કરવામાં આવે તો હિન્દુસ્તાનીઓના મોઢે કદાચ એક જ નામ આવે અને તે છે જાવેદ હબીબ. જાવેદજી અમારી સાથે હાજર છે. જાવેદજી, સ્વાગત આપકા કાર્યક્રમે. થેન્ક યુ. સબસે પહેલે તો યે મતલબ એક થોડા હટકે પ્રોફેશન, નોર્મલી ક્યા હોતા હૈ કી હેર કટિંગ, ખાસ કરકે હેર ડ્રેસર જો ભી થોડા ઉસકો અચ્છા બતાયા જાતા હૈ નામ સે, હેર ડ્રેસિંગ લોગ ચાહતે ભી હૈ કી બાર બાર બતાએ કી જૈસે પૂછતે કી આપકા હેરસ્ટાઇલ અચ્છા હૈ, મતલબ મેરે હેર ડ્રેસર ને મુજે સજેસ્ટ કિયા હૈ. નાઉ મુજે માલૂમ હૈ કી પિછલે દો જનરેશન સે, તીન જનરેશન હો ગયા આપકા યહી બિઝનેસ હૈ, એક નયા રિવોલ્યુશન ખાસ કરકે ઇન્ડસ્ટ્રી કો દિયા હૈ આપને, ક્યા સોચ રહેતી હૈ હર ટાઈમ? किसी के भी बाल देख के दिमाग में यही आता होगा, अरे यार इसकी जगह इसने ये किया होता तो अच्छा रहता. मेरे ख्याल से मैं इतना बोरिंग नहीं हूँ, मेरे ख्याल से मुझे बालों को टच करना जरूरी है. ऐसे बिना बाल टच किए कुछ दिमाग में आता भी नहीं है. बिना बाल टच किए आप एज ए हेयर ड्रेसर सोच भी नहीं सकते हैं. तो मेरे ख्याल से क्लाइंट देख के, अभी बहुत लोग घूमते हैं बट आई थिंक जब तक कोई क्लाइंट सीट पे ना बैठे, उसको बालों को टच ना करें, बालों की फील नहीं आती है, तो बालों को फील नहीं आएगी, मेरे ख्याल कोई स्टाइल हम लोग नहीं कर सकते. वो चीज़ बहुत जरूरी है. अगर हम लोग बात करते हैं इस प्रोफेशन की, अभी लोग कहते हैं कि हमेशा वाई हेट दिस थिंग, बिकॉज आई नो जब मैंने इस प्रोफेशन को शुरू किया था इनिशियली लोगों ने बोला वो नाई का काम करता है, बट आई थिंक मेरे बुरा मानना नहीं चाहिए, बिकॉज देखिए नाई का प्रोफेशन ही है, बट आप उसको कहें कैसे नया रूप दे सकते हैं, वो आता है थ्रू एजुकेशन. बिकॉज अगर आप किसी भी प्रोफेशन की पाठशाला में गए हैं, वहाँ आपको पता चलता है कि उसकी साइंस क्या है, वहाँ उसका ABC क्या है, तभी आप लोगों को आंसर दे सकते हैं. तो ऑफकोर्स मेरे फादर ने जब मुझे देखा कि मैं, जब मैं MA कर रहा था अपने फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर, तो ही थॉट कि मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ. ऑफकोर्स वो मुझे हमेशा फोर्स करते थे कि वो फैमिली बिजनेस में आओ, अपना फैमिली का काम देखो. पता नहीं मुझे थोड़ा सा इंसल्टेड या मुझे थोड़ा लो महसूस होता था इनिशियली, मतलब आपको नहीं आना था ये फील्ड में. मैं तो बहुत लास्ट में आया हूँ, बिकॉज मेरे जो दो छोटे भाई वो पहले आ चुके हैं, बट मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से मैंने फ्रेंच सोचा करने के लिए, बिकॉज मेरे दिमाग में था कि मुझे करना चाहिए होटल मैनेजमेंट. मैं थोड़ा डिफरेंट चीज करना चाहता था, लेकिन आई थिंक टाइम के साथ में दिमाग चेंज होता चला गया. चेंज ऐसा हुआ कि जब मैं लंदन पढ़ने गया, मेरे फादर ने मुझे एक स्कूल में एडमिट करा दिया. वहां जाके मैंने देखा कि वहां की जो हेडरेसिंग थी बहुत डिफरेंट थी. वहां का जो हेडरेसिंग वर्ड था बहुत ग्लैमरस था, वहां का हेडरेसिंग वर्ड बहुत ट्रेंडी था, वहां का हेडरेसिंग वर्ड लड़कियां थी, वहां का हेडरेसिंग वर्ड ब्लॉन्ड बाल थे. मैंने कहा इन चीज ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इनिशियली, बाद में आकर प्रोफेशन बन गया. तो लड़कियों ने ज्यादा इंप्रेस किया था, आई थिंक लड़कियां सभी को इंप्रेस करती, आपको भी करती है, टाइम के अंदर मुझे भी किया, स्कूल के अंदर सभी लोग घूमते रहते हैं. आपके ग्रैंडफादर के बारे में बोला जाता था, मतलब जो लिखा गया है वही मैं बिल्कुल वर्ल्ड इनवाइटेड कमा बोल रहा हूं, कि लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ दो लोगों के आगे सर झुकाते थे, एक थी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, और दूसरे थे आपके दादाजी. मेरे दादा ने उनके बाल काटे हैं ऑलमोस्ट 40 इयर्स, आई मीन जब वो इस कंट्री में आए थे 47 से पहले, क्योंकि मेरे जो दादा थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे राष्ट्रपति भवन के अंदर. ऑलमोस्ट मतलब कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी भी उनसे कट कर, जवाहरलाल नेहरू भी, इवन गांधी जी भी, जब उनके बाल थे, जितने भी हमारे वहाँ के, जितने भी हमारे सारे प्रेजेंट आए हैं या प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जितने मिनिस्टर आए हैं सब मेरे दादा की कैंची के नीचे से गए. और इस तरह आई थिंक हमने लोगों को जाना है. बट इनफैक्ट जब मेरे दादा रिटायर हुए तो उनको ऑफर दिया गया था जो मेरे दादा की जॉब थी, बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेंट में यही होता ना कि बाप के बाद लड़के को जॉब मिलती, बट मेरे फादर ने इसको रिफ्यूज कर दिया, बिकॉज उन्होंने रियलाइज किया कि वहाँ ये प्रोफेशन था बहुत ही सीमित हो गया था. मे बी वो उनके दिमाग में कुछ और करने का था. तो बाहर आए जब वो राष्ट्रपति भवन से, बिकॉज हम लोग राष्ट्रपति भवन में रहते थे, इनफैक्ट मैं पैदा भी राष्ट्रपति भवन में हुआ. तो जब वो बाहर आए तो उन्होंने एक होटल में ज्वाइन किया एज ए हेड ड्रेसर, और उससे पहले वो लंदन जा चुके थे, और उसके लिए हेल्प किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने. उन्होंने मेरे फादर को स्पॉन्सर किया, बिकॉज आज से 40 साल पहले लंदन जाना बहुत बड़ी बात थी, आपको चाहिए था स्पॉन्सरशिप, तो वो किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने किया. क्या लगता है आपको, लगता है मतलब कन्फेस करोगे कि आज हमारे इस प्रोग्राम के जरिए सही आर्ट से ज्यादा उसका जो हाइप क्रिएट करना, कोई भी एक आर्टिस्ट होता है, आर्ट मेरे हिसाब से बहुत लोगों में होता है, लेकिन उसका जो एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर वे में करना
ये कहीं ना कहीं लोगों को आगे ले जाते हैं बाकी लोगों से? नहीं, मेरे ख्याल से आपके पास अगर एजुकेशन है, आप उसको लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। मेरे ख्याल से मैंने क्या किया है, लोगों को बताया कि हेयर केयर होती क्या है। और हेयर केयर शैम्पू नहीं है, हेयर केयर है बालों को कितनी बारी वॉश करना चाहिए, बालों में क्या क्या लगाना चाहिए, बालों के लिए क्या क्या खाना चाहिए। तो जो मेरा मैसेज था वो सिंपल था कि बालों की केयर क्या होती है। मैंने कभी कुछ बेचने की कोशिश नहीं की है। हमें लोग सोचते हैं ना कि ये पॉपुलर बनने के लिए आपको किसी बॉलीवुड स्टार का हीरो बनना, स्टाइलिश बनना जरूरी है या पॉलिटिशियन का। आई थिंक मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से गया, मैंने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया एज ए कॉमन पर्सन क्या आपको यूज करना चाहिए, और ऑल द हेयरड्रेसर कम्युनिटी उनको मैंने टीच करना शुरू किया बालों को कैसे काटा जाता है। आई थिंक उस चीज की वजह से ये टीच करने का आपने बताया, कहाँ से ये कंसेप्ट आया? क्योंकि जिस तरह से आपने नई नई फॉर्मूलाज आपने लॉन्च किया, आपने बताया कि बेसिक ये गलती है, बस इतना खाली इम्प्रूव कर दो, बिल्कुल तुम्हारा क्या बोलते उसको शार्प हो जाओगे आप। क्या क्या आपको कमी लगी थी कि हिंदुस्तान के हेयर ड्रेसर में ये कमी है? आई थिंक बाल काटना तो सभी को आता था, लेकिन वो टेक्निकल लैंग्वेज जो थी वो मिस थी, वो टेक्निकल जो एक्सप्लेनेशन थी वो मिस थी। तो मैंने थ्रू सेमिनार, थ्रू वर्कशॉप लोगों को बताया कि आपको इस तरीके की ये टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, जो वो भी करते हैं, लेकिन मॉडर्न तरीके से। मेरे ख्याल से मेरी जो अप्रोच रही है इस प्रोफेशन के लिए वो रहा है ग्लैमर, वो रहा है टेक्निकल। आई थिंक जो मिस था, मेरे फादर भी ने भी बाल काटे हैं, मेरे दादा ने भी बाल काटे हैं, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे वो क्या काम कर रहे हैं। खास करके जहां तक सीधे बात करें इंडियन हेयर स्टाइल की बात करें, बहुत सारा रिवोल्यूशन आपके जरिए हिंदुस्तान में आया हुआ है। आपने जो नए ट्रेंड सेट किए शायद सोच नहीं सकते थे। आपने बताया कि ट्रेंड सेट करने के लिए यू टू हैव सपोर्ट ऑफ सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार हो सकता है, क्योंकि एक बार एक फॉलोअर होते हैं इन लोगों के हजारों लाखों। क्या ट्रेंड सेट किया खुद जावेद हबीब? मैंने ट्रेंड सेट किया कि बाल काटने का जो एक हेयर ड्रेसर है वो भी स्टार बन सकता अपनी फील्ड के अंदर। जरूरी नहीं कि आपको पॉपुलर होने के लिए आपको किसी फिल्म स्टार की हेल्प चाहिए। आई थिंक उस शेयर ट्रेंड को मैंने थोड़ा चेंज करने की कोशिश की, बिकॉज इवन नाउ जितने भी आप हेयर ड्रेसिंग में नाम सुनते हैं सभी सबसे पहले एक चीज निकालते हैं कि मैं उस स्टार के बाल काटता हूँ। आई थिंक हो सकता है कि शायद मेक्स अकेला हेयर ड्रेसर हूँ जो बात करता है कि हेयर ड्रेसिंग इज अ साइंस, हेयर ड्रेसिंग इज यू नो लाइक यू टू बिकम ए स्टार और टू बिकम ए प्रोफेशनल पर्सन आपको उसको जानना पड़ेगा। और आप वो जब ही जान पाएंगे जब आप बालों को फील करना सीखेंगे। सो मेरे ख्याल से मैं बालों को फील करता हूँ, मेरी बॉडी में बाल बोलते हैं, आई थिंक वो चीज बहुत जरूरी थी। बहुत सारी बातें करेंगे, बोलेंगे बाल के बारे में, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक। दर्शक मित्रों समय था वो नानक बदलाव। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपनो कार्यक्रम अतिथि में। बात करें आपने जानीता हेयर ड्रेसर ने, हेयर डिजाइनर ने कदा ट्रेंड सेटर मिस्टर जावेद हबीब साहब। जावेद जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि एक सॉल बन गया, रादर बोल सकते कि आत्मा है ये, ये आप सोते जागते उठते बैठते हर टाइम यही दिमाग में आता है कि कुछ नया होना चाहिए, कुछ देना है मुझे, कुछ नया करना है। नाउ आई थिंक कुछ देने का मकसद क्या है मेरा, कि एज ए एजुकेशन, एज ए बिजनेस, बिकॉज लोगों के दिमाग में अभी तक क्या है, हेयर ड्रेसिंग मीन्स ब्यूटी पार्लर। मैं कहता हूँ इट इज नॉट ए ब्यूटी पार्लर, इट इज अ इंडस्ट्री। आई मीन यू कैन बिकम लाइक अ रिलायंस इफ यू नो व्हाट यू डूइंग इट। हमें सिर्फ एक बाल काटना नहीं है, बालों काटने का एजुकेशन हो सकती है, बालों की कॉस्मेटिक हो सकती है। कॉस्मेटिक सिर्फ शैम्पू नहीं होते, कॉस्मेटिक आपके ब्रशेज हो सकते हैं, कॉस्मेटिक आपकी सीजर हो सकती है। मेरे ख्याल से मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि जितनी भी चीज आपको चाहिए ब्यूटी पार्लर के अंदर या बार्बर शॉप के अंदर, इट शुड बी थ्रू अ प्रोफेशनल पर्सन, एंड मैं उनको एजुकेट करूंगा कि उसको आप कैसे यूज करते हैं। तो इट इज नॉट अ ब्यूटी पार्लर। अगर आप लोग सच्ची में एक अच्छे प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर बन सकते हैं, आप लोग सैलून खोल सकते हैं, यू नो यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अ कलर इंडस्ट्री, बिकॉज आजकल जो कलर इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन चुकी है उनको भी लोग प्रोफेशनल लोग चाहिए। आप पार्ट बन सकते हैं बॉलीवुड का, पार्ट बन सकते हैं टीवी का बन सकते हैं, एंड अगर आप सच्ची में अच्छे लिख सकते हैं, यू नो यू कैन स्टार्ट राइटिंग आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर। सो इट इज नॉट जस्ट बाल काटना, आई थिंक इट्स अ कंप्लीट इंडस्ट्री। जावेद जी, बाल काटने का पहला मौका मुझे मालूम है कि पापा बहुत फोर्स करते थे आपको कि यही इंडस्ट्री में आना है, यही करना है आपको। पहली बार कैंची कौन था वो सर जिसके ऊपर ये पहली कैंची घूमी थी? पहली बात जब मैंने कोर्स किया लंदन के अंदर 9 महीने का, आज से 20 साल पहले, वहां पर हमारा जो पहला 5 हफ्ते का जो टाइम होता है हम लोग डमीज पे काम करते हैं।
तो पांच हफ्ते, ये छह हफ्ते का कोर्स था, जो पांच हफ्ते के बाद में जो हमारा एक हफ्ता बच जाता है उसके लिए हमें लोग मिलते हैं फ्री कट कराने के लिए, लोग आते हैं। मुझे अभी तक याद है कि आई थिंक शी वाज ओल्ड लेडी, छोटे बाल थे, जबकि छोटे बाल काटना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। मैंने उसके बाल काटे थे एक घंटे के अंदर। Okay. उसने मुझे टिप भी दिया था, उस टाइम उसने मुझे एक टिप दिया था 1 pound का, जो बहुत ज्यादा पैसे होते हैं। और जब हमारा पूरा का पूरा एक हफ्ता निकल गया तो हम लोगों ने अपने पैसे कैलकुलेट किए, किसको सबसे ज्यादा टिप मिली और किसको सबसे हाई टिप मिली है। आई थिंक मेरे ख्याल से मेरे पर टिप सबसे ज्यादा थी उस टाइम। फाइन, ऐसा कोई इंसिडेंट कि आपके सामने सर रख दिया हो और कहा होगा जावेद जी आपको जो ठीक लगे करिए मेरे चेहरे के हिसाब से, लेकिन जब आपने अपने हिसाब से किया नहीं पसंद आया। जब मैं नया नया आया इस प्रोफेशन के अंदर इस कंट्री के अंदर, मैं 3 साल बाद वापस आया था, तो मेरे फादर ने अपने कुछ क्लाइंटल मुझे शिफ्ट करने शुरू किए। और जो मेरा पहला कट था, एक वो बच्ची थी, मुझे मतलब याद है, वो होगी शायद 9-10 साल की, मैंने उसके बाल काटे, बहुत रोई थी वो। और रोई क्यों थी? बिकॉज मैंने सोचा जो मेरी सोच लंदन की थी उसको मुझे यहाँ कर चलाना चाहिए, मैंने फोर्सफुली उसके बाल छोटे कर दिए। मैं भूल गया कि हमारा इंडियन कल्चर बहुत डिफरेंट है, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर हमारा जो ट्रेडिशन है हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। आई थिंक वो जो पहला क्लाइंट था, रोने वाला क्लाइंट था, बच्चा क्लाइंट था, तो पता नहीं मेरे ख्याल से वो बड़ी हो गई होगी, उसने बहुत कुछ सिखाया, उसने मुझे डिप्रेस भी किया, उसने मुझे लो भी किया कि मेरा पहला कट ही क्लाइंट मेरा रो पड़ा। शादी के बारे में थोड़ी बात हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपने कहीं लिखा भी है, कहीं बोले हैं आप इंटरव्यू में कि लोग लव मैरिज करते हैं, कई लोग अरेंज मैरिज करते हैं, आपने कुछ हटके मैरिज किया था। मेरी क्लाइंट मैरिज हुई थी, एक ही शादी हुई है, वो क्लाइंट के साथ हुई है। और हुआ ये था कि वो शॉप में आई थी बाल कटाने मेरे फादर से, शादी मेरे साथ हो गई। फाइन, क्या 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 खास क्या बात अच्छी लगती है वाइफ के बारे में? आई थिंक वाइफ के बारे में खास ये बोलूंगा कि उस टाइम खूबसूरत थी, अभी भी खूबसूरत हैं। उस टाइम शायद मुझे बिलीव करती थी बालों के ऊपर कि मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूँ, अब वो मेरी कटिंग पसंद नहीं करती, बिकॉज मेरे ख्याल से घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। बट अंडरस्टैंडिंग है, पता है कि जब आप मीडिया के पार्ट बनते हैं, जब आप स्टेज के पार्ट बनते हैं, तो टाइम कम होता है फैमिली के साथ में। जैसे आजकल इवन नाउ मैं हफ्ते में 5 दिन ट्रैवल करता हूँ, तो फैमिली बहुत कम देख पाता हूँ। लाइफ हमारी क्या होती है, सारे दिन स्टेज पे शोज करते हैं, रात को होटल में सोते हैं। आई थिंक जब भी 2 दिन घर जाते हैं तो ट्राई करते हैं कि 2 दिन वो जो हैं पूरे 5-7 दिन की पूरी कवरेज हो पाए इसके अंदर। आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी मैरिज लाइफ को कंफर्टेबल हैप्पी लाइफ बनाने के लिए या सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए। आई थिंक एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हेयर स्टाइल के बारे में अगेन, जैसे मैंने बताया कि जो भी हेयर ड्रेसर होते हैं उनकी बहुत सारी कमियाँ तो आपने दूर की थ्रू एजुकेशन, उनको साइंस सिखाया कि ये होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इंडियन कस्टमर है, खास करके जो लोग हैं, खुद अभी चेंज नहीं कर सकते, वो बरसों पुरानी, या तो अगर कोई सही मायने में अगर ट्रेंड सेट करे तो कर सकता है? बट एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी जो एशियन कम्युनिटी है, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे न्यूयॉर्क में, आई थिंक दे आर द मोस्ट फसीस पीपल। आई मीन इवन जो लोग लंदन में रहते हैं बहुत फसी हैं। क्यों फसी? क्यों? एक तो लंबे बाल रखना चाहते हैं, और लंबे बालों के अंदर दे आर लुकिंग फॉर अ कंप्लीट चेंज ओवर, कंप्लीट मेक ओवर, जो पॉसिबल नहीं है। देखिए, एक तरह की डिजाइनिंग, कपड़ों की डिजाइनिंग होती है। अगर आपने पहनी है लॉन्ग स्कर्ट, बहुत बोरिंग होती है, लेकिन जैसी स्कर्ट छोटी होती है लुक्स ट्रेंडियर। तो सेम चीज बालों के बारे में, जितने बाल हमारे छोटे होंगे इतने ज्यादा ट्रेंडी नजर आएंगे। लेकिन अगर आप सच्ची में क्लाइंट को कन्विंस करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो आम आदमी की लैंग्वेज है, अगर आप उसको ऐसा बन के समझाएंगे, आप उसको कन्विंस कर सकते हैं, इफ नॉट 100% मे 50%। आपने बताया कि लंबे बाल के शौक रखते हैं खास करके इंडियन जो भी क्लाइंट है, वो इंडियन लोग है, पीपल है, छोटे बालों का ट्रेंड। लेकिन अगेन वही बात आती है कि लोग को ट्रेंड सेट करता है सेलिब्रिटीज। जब ये हेयर स्टाइल, फिल्म स्टार पे सीधा आ जाता हूँ मैं, एक वक्त था जब लंबे बालों का फैशन चल गया था, चाहे अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, कोई भी हो, लंबे बाल रखते थे। धीरे 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 फिल्म स्टार्स में भी हुआ। फिल्म स्टार के बारे में आप बताइए कि कौन सा फिल्म स्टार है जो अपनी हेयर स्टाइल के लिए सबसे ज्यादा कॉन्सियस है? ज्यादातर फिल्म स्टार्स लोग जो बोलते वो करते, उनके हेड डिजाइन, लेकिन खुद
जो कॉन्सियस हो ऐसा फिल्म स्टार? देखिए, आजकल की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इसमें इतना कॉम्पिटिशन है, अगर आपने आपको चेंज नहीं करेंगे आप लोग पीछे रह जाएंगे। तो वो चाहे आप किसी भी खान की बात कीजिए, आप किसी की भी बात कीजिए, रोशन की बात कीजिए, आई थिंक सारे के सारे अपने आप को बहुत ही ट्रेंडियस मान के चलते हैं, और उनका ट्रेंड लुक बनना उनकी सक्सेस की निशानी है। आजकल वो जमाना नहीं है कि अमिताभ बच्चन का सेम लुक फॉर 30 साल चला। आजकल जमाना है रोज नई मूवी, नई लुक, नया चेहरा। आई थिंक वो चीज चल रही है, सभी ट्रेंडियस हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग एक्सपेरिमेंटल हैं, कुछ नहीं है। अगर आप लोग किसी भी खान की बात करेंगे, सलमान खान बहुत ही एक्सपेरिमेंटल है, आमिर खान बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, शाहरुख खान थोड़ा सा ठीक है बट उसकी अपनी लुक है, उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, हो सकता है उसके अंदर चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, बट मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट आई थिंक सारे के सारे लोग हैं एक्सपेरिमेंटल। शाहरुख के बारे में आपने कहा है कि आपको अगर किसी के बाल पसंद नहीं है तो वो शाहरुख के बाल है। नहीं, वो मजाक में कह दिया, शाहरुख खान थोड़ा अपने आप को चेंज नहीं कर पाता ज्यादा। आई थिंक ही इज, उसके बाल बहुत अच्छे बाल हैं, बहुत मेरे ख्याल से जितने भी खान हैं सबसे अच्छे बाल शाहरुख खान के, तो हो सकता है इसी वजह से उस पर ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं है। तो अभी छोटे बाल, अभी ऑफकोर्स लेटेस्ट जो मूवी चली हैं बिल्लू और दूसरी जो मूवी आई हैं, अभी उसके अंदर लुक चेंज हुई है, आई मीन ऑफकोर्स ग्रेजुअली इज चेंजिंग। पॉलिटिशियन के बालों में अगर सीधा पूछ लूँ तो आपने तारीफ भी कर दी थी लालू प्रसाद यादव के बालों की, क्या वो भी मजाक था? लालू प्रसाद के मेरे ख्याल से एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो बहुत ही ट्रेंडियस्ट पॉलिटिशियन है, अगर आप उनके बाल भी लेके चलेंगे, उनके बालों की उनके जो बाल हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं कि किस तरह उसको कोम करते हैं, ब्रश करते हैं। आई थिंक क्या हम है, बहुत अच्छे बाल हैं, ट्रेंडियस्ट बाल हैं, कलरफुल बाल हैं। आई मीन अगर आप सोचें, अगर आपके बाल ग्रे हैं तो आप ओल्ड नजर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अंदर से आती है, वो ग्रे बालों या काले बालों से क्या फर्क पड़ेगा। और अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिशियन की बात करेंगे, आई थिंक मेरे ख्याल से हिटलर के बाल अच्छे खासे थे, उनकी मूछें बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा काम कर सकते थे अगर होता उस टाइम तो मैं। अभी की बात करेगा, जहां तक ये गुजरात का चैनल है, नरेंद्र मोदी अपनी बियर्ड रख के एक पहचान बन गई है। अगर नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा स्टाइल चेंज करना अगर आपको बताया जाए, क्या क्या बना सकते हैं नरेंद्र मोदी जी को, क्या थोड़ा चेंज करना चाहिए? आई थिंक मेरे ख्याल से उनकी जो बियर्ड है उनकी अपनी पर्सनैलिटी है, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने उनकी बियर्ड चलती है। ऑफकोर्स कभी हैवी होती है, कभी लाइट होती है, बट मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा लाइट रहे, क्योंकि लाइट से क्या होगा आदमी फ्रेश नजर आता है। हाँ, थोड़े बालों पे काम कर सकते, क्योंकि टॉप के बाल थोड़े लाइट होने शुरू हो गए, अगर अच्छे बाल कट जाएंगे तो वो शायद मेरे खालीपन छुप जाएगा, तो अब इसी पे काम करना चाहूंगा। बियर्ड उनकी निशानी है, लेट इट बी द वे इट इज। ओके फाइन, अब बात करेंगे और आगे, लेकिन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक। दर्शक मित्रों, समय था विचक नानक नवी राम। विराम बाद फरी एक और स्वागत है अपने कार्यक्रम अतिथि में। बात करें आपने जावेद हबीब साथ, जावेद जी फिल्म स्टार और ये सब तो बात होगी, लेकिन खास करके सब लोग नॉर्मली, दादी माँ ने कहा था तेल डालना है, वीक में 4 बार तो तेल डालना ही है, धोना है तो बिल्कुल अरीठा या तो जो जड़ी बूटियां यूज करना है, और आप बोलते हैं कि बालों में तेल नहीं डालना चाहिए, कंडीशनर डालिए, शैम्पू डालिए, क्या बेसिक सही में क्या होना चाहिए बालों को सही मायने में अगर प्रॉपर रखना है तो? देखिए, बहुत सिंपल है, हमारी जो कंट्री है इसका जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हार्श है, स्पेशली गुजरात के अंदर बिकॉज डेजर्ट क्लाइमेट है, हमारी स्किन रूख बहुत ज़्यादा रूखी नज़र आती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे नज़र आते हैं, पसीना बहुत आता है। तो हम लोग तेल क्यों लगाते हैं? हम लोग तेल लगाते हैं बिकॉज क्लाइमेट रूखा है, तो उसको थोड़ा चमकाने के लिए जी। तो अगर आप सोचते हैं कि आपके तेल से बाल ग्रो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बालों की जो ग्रोथ है वो है आपकी सोच, आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कितना पानी पीते हैं। शैम्पू सिर्फ बालों को क्लीन करेगा, अगर शैम्पू बालों को क्लीन करेगा उसकी अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। लेकिन ये नहीं कह रहा कि जो दादी माँ ने बोला था कि हमें ये नहीं करना चाहिए, देखिए उस टाइम लोगों के पास टाइम था, उनके पास लोगों का टाइम था कि बैठ के रीठा लगा सकते हैं, 2 घंटे बैठ सकते हैं, 3 घंटे बैठ सकते हैं। लेकिन आजकल किसके पास टाइम है? आजकल का जो टाइम है वो है प्रोफेशनल टाइम है, आजकल का टाइम है सबको चाहिए वॉशिंग को। अब वॉशिंग को क्या होगा? शैम्पू करो, आप साबुन तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज साबुन आपकी स्किन के लिए बना है, तो आपको चाहिए शैम्पू चाहिए। तो शैम्पू यूज करने में बुराई क्या है? आई मीन क्या आप लोग अपना रोज फेस वॉश नहीं करते? तो व्हाई नॉट हेयर, क्योंकि ये भी एक तरह की स्किन ही है, तो हमें शैम्पू यूज करना बहुत जरूरी है। और ऑफकोर्स हमारी जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा हार्श है, हमें उस पर चाहिए मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर क्या होता है? ऑयल का सेकेंड स्टेज होती है मॉइस्चराइजर, तो हम जिसको हम लोग कंडीशनर कहते हैं, आप लोग कंडीशनर लगा सकते हैं।
और कंडीशन से हम लोग आगे जा चुके हैं। आजकल निकली चीज है सिरम। देखिए हमारा टाइम, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे टाइम कम हो रहा है, कंडीशनर को रिंस करना पड़ता है, लेकिन आजकल जो लिखा है, जो निकला है सिरम, हम इसको रिंस करने की जरूरत नहीं। सो इससे कंडीशनर बस ऑयल फ्री कंडीशनर जिसको रिंस करने की जरूरत नहीं। सो टाइम के साथ में हमारी हर चीज चेंज हो रही है, हमें चेंज करना पड़ेगा। बाल को बढ़ाने के बहुत सारे दावे प्रति दावे होते रहते, लोग ऐसे बताते भी है कि हमारी अगर ये ट्रीटमेंट यूज करे, हमारा ऑयल यूज करे, इतने सालों का, इतनी पीढ़ियों का एक्सपीरियंस है, आप क्या कहते हैं खरे खर ये जो सही में ये लोग जितने एडवर्टाइज करते हैं, क्या ये सब बिल्कुल फैक है? कुछ भी नहीं है इसके अंदर, मैं बहुत ही ब्लंटली कहता हूँ कुछ नहीं है। लेकिन एक बाल एक ऐसी चीज है जो आदमी बाल जिसके टूटने शुरू हो जाते हैं वो ट्राई करता है, काश मेरे बाल वापस आ जाएं, और इसी वजह से सब लोग पैसा बना रहे हैं। लेकिन एक बार ये जो बाल निकल गए स्कैल्प से, बाल कभी वापस नहीं आएंगे। ऑफकोर्स अगर आप लोग प्रॉपर हेयर केयर ले करते हैं आपके बाल कम टूटते हैं। देखिए जब अगर आपने बालों को क्लीन नहीं किया, वो जो पसीना होगा वो बन जाएगा डैंड्रफ। डैंड्रफ क्या है? पॉइजन है, हमारे बालों को निकालता है। अगर आपकी स्कैल्प या आपकी स्किन क्लीन होगी, डैंड्रफ नहीं होगा, डैंड्रफ नहीं होगा आपके बाल क्लीन रहेंगे और आपके बाल अच्छे ग्रो करेंगे। तो शैम्पू, इसलिए मैं कहता हूँ शैम्पू हमारे हर चीज की मेन पॉइंट है। फैमिली में आ जाते हैं सीधा, एक लड़का और एक लड़की, लड़की के बिना नहीं रह सकते जावेद हबीब, बहुत प्यार करते अपनी लड़की से। हमारी फैमिली के अंदर जो मेरी लड़की है सना, आई थिंक शी वाज द फर्स्ट फीमेल। मेरी दो तीन जनरेशन के अंदर सारे लड़के थे हमारे, मेरे फादर के भी कभी ऑल अप रहता, मेरे चाचा के भी सब लड़के हैं, मेरे मामा के भी सब बच्चे सब लड़के हैं, लेकिन कोई लड़की नहीं थी। तो आई थिंक आफ्टर टू जनरेशन वी हैड अ फीमेल, वी हैड अ गर्ल। आई थिंक उसी वजह से सब लोग उसको प्यार करते हैं। एंड मेरा वीक पॉइंट भी ऑफकोर्स बच्चे ही हैं। बच्चों ने मुझे सिखाया पेशेंस, बच्चों ने मुझे सिखाया बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, बच्चों ने मुझे सिखाया कि कैसे बच्चों के साथ बात करना शुरू करते हैं। जब तक मेरे बच्चे नहीं थे मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन जैसे मेरे बच्चे हुए मुझे बोलना आ गया। सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे? आई थिंक जब सना वॉज बॉर्न, सना जब पैदा हुई थी, शर्म आती थी अपने फादर से बात करते हुए, बिकॉज हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ये चीज बहुत ही बड़ी चीज होती है। लेकिन टाइम के साथ आप सब कुछ अपने आप सीखते हैं, आपके टाइम के साथ आपकी सोच चेंज होती है, टाइम के साथ में आप मैच्योर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे प्री प्लान करना पड़ता चीज का। आई थिंक मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो लाइफ को लेता है आज के लिए, आज मैं अच्छा करता हूँ, कल का मैं कभी सोचता नहीं हूँ। अगर आज अच्छा होगा कल भी अच्छा हो जाएगा, और कल जो निकल चुका उसके बारे में क्यों बात करें हम लोग। एंड व्हाट वाज द एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ द लाइफ? सभी हैं, सारे के सारे हैं। ऑफकोर्स हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है इसके जो उतार चलते रहते हैं, लाइक कभी यू नो यू आर ए पार्ट ऑफ ग्लैमर वर्ल्ड, आप कभी मिस इंडिया के लिए काम करते हैं, कभी कुछ मूवीज के अंदर यू आर ए पार्ट ऑफ इट। आई थिंक सभी है। मेरे ख्याल से मैं हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ अच्छे तरीके से। लेकिन अभी भी चूकती है कि ये गलती गलती एक ही गलती हुई है, शादी हो गई। ये मुझे मालूम है कि बम्बई में रिलीज नहीं हो रहा, इसलिए बिल्कुल बिंदास बोल रहे हैं आप, लेकिन महाराष्ट्र में भी हमारा कवरेज जाएगा 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। गलती यही है कि मेरे ख्याल से प्रोफेशनली आप जहाँ पहुंच चुके हैं आप वापस नहीं आ सकते, और टाइम डे बाय डे कम होता जा रहा है। आई मीन अगर आप हफ्ते में 5 दिन ट्रैवल करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल फैमिली के लिए, आपके पास टाइम नहीं मूवी देखने के लिए, आपके पास टाइम नहीं डिनर करने के लिए। आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आदमी अगर सक्सेस होता है उसके पास अपने लिए टाइम खत्म हो जाता है, और वो जो टाइम है वो पब्लिक के लिए, बिकॉज अगर आप लोगों ने फैन बनाए आपको उनको टाइम देना पड़ता है। फैन की बात करें तो कौन अभी तक का सबसे क्रेजी फैन कौन लगा आपको? सभी हैं, सारे के सारे। फिर भी कोई एक ऐसा? सभी है मेरे ख्याल से। इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर, हेयर इंडस्ट्री के अंदर लोगों ने शायद जावेद हबीब को एज ए आइडल लेके चलते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि जावेद ने हेयर ड्रेसिंग को थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन दे दिया, उसने बताया लोगों को पैसा कैसे कमाया जाता है, उसने बताया कि इस प्रोफेशन को कैसे रिस्पेक्ट दिलाई जाती है। आई थिंक मेन चीज ये थी, जब मैंने शुरुआत की थी लोग कहते थे वो नाई का काम करता है। आई नो आई वॉज डूइंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझसे वो आदमी कहता बिहार के अंदर, आई वॉज इन पटना एंड रियल स्टोरी है। तो आई वॉज गिविंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने बोला आजकल की जो हेयर ड्रेसिंग है साइंस है, यू नो लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो मुझसे कहता है, जर्नलिस्ट मुझसे कहता है, अब मैं क्या बोलूँ, कहते हैं आप क्या ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ना ही ना, सिंपल। और लेकिन उसको आपने अच्छे तरीके से लिया, अगर मैं उसको बुरे तरीके से लेता हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पहुँच भी नहीं पाता, बिकॉज आपको उसका आंसर देना आता है, आपको उसका आंसर देना आता है प्रोफेशनली टेक्निकली, जो उसमें थोड़ा सेंस होता है। Who is your favorite politician? और सारे हैं मेरे, सारे अच्छे, सभी पॉलिटिशियन। नहीं नहीं, मैं पॉलिटिशियन की, मैं अपने लाइफ में अपने बालों में इतना बिजी हूँ, मेरे लिए ऑल आर और कॉमन पर्सन ऑफ दिस कंट्री। जावेद अभी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं?
जावेद हबीब कभी कंट्रोवर्सी में आया नहीं है। जावेद हबीब ने ये सोचा है कि जो बालों की दुनिया है उसमें टाइम गुजारो, टाइम ही नहीं आपके पास में। हमें लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स है ये वो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे भगवान ने एक ही लाइफ दी है, अल्लाह ताला ने मुझे एक ही लाइफ दी है और वो दी है कैच के लिए, तो मुझे सारा टाइम अपनी कैच को देना चाहिए। हमें आई नो जो भी पर टाइम है वो कम है, तो why to go into controversy with Bollywood or politician? They are like a senior people of this country. Overall Indian politician के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। आजकल की जो नई ब्रीड है काम करने वाली ब्रीड है, मेहनती ब्रीड है। मेरे ख्याल से जो मेन चीज़ है दे आर एजुकेटेड, और जब भी कोई आदमी एजुकेटेड होता है उसकी जो सोच है बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, वो हर तरीके से हर चीज़ को अच्छे तरीके से सोचता है। What is the goal of Mr. Javed Habib? जावेद हबीब का गोल है चांद पे जाना। जावेद हबीब का गोल है कि दुनिया के अंदर एक ही ब्रांड होनी चाहिए बालों के बारे में, वो होनी चाहिए जावेद हबीब की। एंड मेरे ख्याल से क्यों नहीं हो सकती, अगर हमारे इंडियन डॉक्टर इतने मशहूर हो चुके हैं, इंडियन आईटी पीपल बन चुके हैं, तो व्हाई नॉट इंडियन हेड। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। दर्शक मित्रों જોયું તે પ્રમાણે જાવેદ હવે બિલકુલ સ્પષ્ટ વિચાર છે પોતાના પ્રોફેશન ની અંદર, આઈ વોન્ટ ટુ બી એ નંબર 1 વર્લ્ડ ની અંદર, ક્યારે પણ કેટ હેર કટિંગ અથવા તો હેર સ્ટાઇલ ની વાત આવે ત્યારે સ્પષ્ટપણે તેમનું માનવું છે કે ફક્ત અને ફક્ત જાવેદ હબીબ, ધીસ ઇઝ ધ હોસલા, યુ નો, અને સતત ચાલી આવતી જે ટ્રેડિશનલ બિઝનેસ હતો તેને એક આખો નવો ટ્રેન્ડ આપ્યો છે જાવેદ હબીબે। અગેન થેન્ક યુ વેરી મચ, ફરી મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં એક નવા અતિથિ સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર, થેન્ક્સ અ લોટ, પ્લેઝર।